चलो, इन अ वेरी स्मॉल एम्पिरिकल स्टडी, अ सैंपल फ्रॉम अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑब्जर्व, द डेटा कैन बी एंटर्ड यूजिंग द फॉलोइंग आर कोड. तो ये हम लोग क्विकली इसको, इज माई स्क्रीन विजिबल, एम आई ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ यस इसमें नहीं मैम, बोलना. सो इसको कॉपी पेस्ट कर लो एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है? मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ एक्स निकाल लो. मैं सभी हटा देती हूँ. ठीक है, तो ये मैंने फीड कर दिया एक्स के वैल्यूज. नेक्स्ट ये आप लोग ऊपर लिख दो. ऐसे मैं नहीं लिख रही हूँ ये सब, अब छोटे मोटे चीजें आप लोग को पता होना चाहिए. नंबरिंग एंड एवरीथिंग आप लोगों को करना है. सो मीन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स बोला है तो ये आ गया. अब आप लोग लिख दोगे द आंसर इज 5.7, सॉरी 0.53, जो भी है वो पूरा हैशटैग देके आप लोग को आंसर पूरा लिखना है. नेक्स्ट पार्ट टू बोल रहा है यू हैव टू बी रियल क्विक. इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम लोग ऑन स्मॉल थिंग्स. कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अज्यूमिंग एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये जो अजम्पशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हम लोग एक्चुअली अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन अजम्पशन होता है जो हम लोग बहुत बार नहीं ध्यान लगाते, बट दिस इज एन अंडरलाइन अजम्पशन जो हम लोग को ध्यान रखना है. सो या टेल मी क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? टी डॉट टेस्ट यूज कर सकते हो क्योंकि टी डॉट टेस्ट से आपको किसका मीन का ही तो मिलता है ना. मीन का मिलता है एक्स कॉमा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना बोला है. 95 नहीं भी दोगे तो चलेगा, दे भी दोगे तो चलेगा. सो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये आपको आंसर में लिखना है. हेंस द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन इज, मीन ऑफ एक्स इज दिस. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट बोला है कंस्ट्रक्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द बूटस्ट्रैप मेथड विथ 10,000 बूटस्ट्रैप रेप्लिकेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप मतलब आपके पास कुछ डेटा नहीं है, आप डेटा खुद से बना के आप सैम्पलिंग कर रहे हो, बेसिकली आप डेटा खुद से निकाल रहे हो. तो यहाँ पे हम लोग को ये थोड़ा सा डेटा दिया हुआ था, इस पे हमने सब कुछ किया. अब फॉर एग्जाम्पल डेटा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैंडमली 10,000 वैल्यूज निकालेंगे. कौन किससे निकालना है आपको, आपको इसी सैंपल को यूज करना है. तो ये जो सैंपल है क्या बोला है देखो, कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन एक्स ही करना है यूजिंग बूटस्ट्रैप मेथड. मतलब ये जो आपका एक्स दिया हुआ है इस पे हम लोग को क्या करना है, एक्स का साइज कितना है, कितने वैल्यूज हैं एक्स में, 18 वैल्यूज हैं. तो ये 18 वैल्यूज को ही बार बार लेना है बट 10,000 टाइम विथ रिप्लेसमेंट. हो सकता है कि एक ही वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ये 18 टाइम्स आ जाए, ये 18 टाइम्स आ जाए, ऐसा करके आप लोग को 10,000 वैल्यूज निकालने. नाउ सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी सेट डॉट सीट, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं. सो वी कैन टेक अ लूप. ठीक है, सेट डॉट सीट अगर लेना है तो ले लो एज मे बी 99 या 999 ले लो. क्या करेंगे, फॉर हम लोग को मीन निकालना है, 10,000 मीन्स निकालना है हमें. ठीक है, तो फॉर आई इन 1 to 10,000 और हम लोग को क्या करना है बोलो, हम लोग को लेना है. अच्छा पहले एक वेक्टर बना लेते हैं अपने. ठीक है, वेक्टर वाई जिसमें अपने रिपीट कर लेंगे 0s 10,000 टाइम्स.
अब इसमें डालेंगे वाई में क्या डालेंगे? सैंपल ऑफ एक्स कॉमा 18 रिप्लेस क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? ट्रू ट्रू विथ रिप्लेसमेंट. अब इससे क्या होगा, ये आपका ये जो आया ये क्या आया, इसमें आपकी 18 वैल्यूज आए विथ रिप्लेसमेंट, तो हो सकते एक ही वैल्यू 18 टाइम्स आ गया. एंड इसका मीन ले लेना है, एंड इसका मीन ले लेना है. क्लियर? वी हैव डन दिस इन क्लास, सिमिलर थिंग. इसको रन करो एंड यू कैन चेक हेड ऑफ वाई. पूरा वाई मत रन कर देना, 10,000 वैल्यूज आ जाएंगे. क्या हुआ? ओके, इसमें मैंने ith वैल्यू में असाइन करना है. तो एक मिनट, सीड वैल्यू. ठीक है, देख लो, मैंने इंडेक्सेशन नहीं किया था. ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट करें. मामा अभी इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है. वेरी गुड, अभी ये खत्म नहीं हुआ है. इसका हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 10,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकाल लिया. अब हम लोग को बेसिकली इन सारे वैल्यूज को पहले तो सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 25, फिर 0.25 परसेंटाइल एंड 97.5 परसेंटाइल वैल्यू उठाना है. कौन सा फंक्शन से डायरेक्टली होता है ये सारा चीज? क्वांटाइल फंक्शन से डायरेक्टली हो जाते हैं. सो क्वांटाइल में डायरेक्टली आप क्या डालोगे, वाई एंड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स में 0.025, तो 2.5th क्वांटाइल आ जाएगा एंड 0.99. यस यतीश बोलो. मैम बूटस्ट्रैप का मीनिंग एक्सप्लेन करना दोबारा. हैव यू डन द असाइनमेंट जहां पे हमने बूटस्ट्रैप किया था? मैम कंप्लीट है वो सारा, एक बार मीनिंग थोड़ा. बूटस्ट्रैप है सैंपलिंग, आपके पास ये एक्स का खाली डेटा है, तो ज्यादा बूटस्ट्रैप का जो मीनिंग है वो आपको मशीन लर्निंग में समझ में आएगा जब सीएसटी में पढ़ोगे. बट बेसिक मीनिंग ये है, सैंपल दिया हुआ है, इसको हम लोग इसका ही इसी से बहुत सारे सैंपल्स बना रहे हैं एंड फिर स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ आपने डायरेक्टली एक्स को का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, यहाँ आपने वही एक्स यूज किया बट आपने 10,000 सैंपल्स बनाए उससे, उसका मीन निकाला, मतलब 10,000 मीन निकाला एंड उसका आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला. देख लो, ये आंसर आ रहा है मेरा. सिमिलर है टू व्हाट वी गॉट. ठीक है, सिमिलर है टू व्हाट वी गॉट ऊपर. 45 से 71, यहाँ पे 42 से 72, सिमिलर. लास्ट पार्ट बोल रहे हैं कमेंट ऑन द डिफरेंस. अब हम लोग क्या बोलेंगे, दैट सीआई कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन बोथ द पार्ट्स. However, the confidence interval का अगर आप width निकालो, width कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करो. इन दोनों को अगर हम माइनस करें, इन दोनों को अगर हम माइनस करें, नेगेटिव आएगा. ये आ रहा है क्योंकि मैं इसको इससे माइनस कर दे रही हूं ना, इसको माइनस करते हैं. और ये 0.25 आ रहे. तो जो सेकेंड वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है वो ज्यादा नैरोअर है. ये इसीलिए है क्योंकि दो चीजें, सबसे पहले एक चीज हो सकता है कि हमने एक अजम्पशन दिया था एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हो सकता है कि x मे नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्योंकि आप यहाँ पे 18 सैंपल साइज लेके उस पे निकाल रहे हो एंड दूसरे में आप 10,000 वैल्यूज का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हो, इट माइट नॉट गिव यू द सिमिलर रिजल्ट, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज मे नॉट गिव यू एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्मॉल साइज ऑफ सैंपल है ना. बूटस्ट्रैप मेथड में बेटर अप्रोक्सीमेशन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई अजम्पशन नहीं लिया. जैसे टी डॉट टेस्ट का अंडरलाइन अजम्पशन होता है कि इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. जब आप टी डॉट टेस्ट करते हो, आप दो टेस्ट करते हो मींस का, या तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला टेस्ट या तो टी टेस्ट.
स्टैंडर्ड जेड टेस्ट आप कब करते हो? स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला जब आपको पॉपुलेशन मीन वेरिएंस गिवन होता है. जो आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं गिवन होता है तब आप टी डॉट टेस्ट. बट दोनों का अंडरलाइंग अजम्पशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हो सकता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं फॉलो करे. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप का एक और जो भी किसी ने पूछा था यतिश ने, बूटस्ट्रैप का एक और एस्पेक्ट होता है कि यहाँ पे हम लोग कोई डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशन नहीं ले रहे. एंड सिंस वी आर नॉट मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशन, ये एक बेटर रिजल्ट हम लोग को देता है रादर देन यूजिंग द टी डॉट टेस्ट. ठीक है, इसको क्विक एक बार रीड कर लो सोल्यूशन. क्विक रीड कर लो, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट में आ जाओ. द डेटा सेट इंटरेस्ट रेट सीएसवी कंटेन्स अ सीरीज ऑफ रिटर्न्स ऑन बॉन्ड्स ऑफ मेच्योरिटीज ऑफ 1 year, 5 year, 10 year, 15, 20, 30 years का बॉन्ड है, उसका हम लोग को रेट्स दिया हुआ है. बॉन्ड्स दैट प्रोवाइड अ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट आफ्टर दीज मेनी इयर्स. कैलकुलेट पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर दिस मैट्रिक्स. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने इसमें इंपोर्ट कर लेंगे. अगेन ये मेरा जिप फाइल है तो इसको अनजिप करना होगा हम लोग को फर्स्ट. तो आप क्या कर सकते हो, आई यूज अ वेरी सिंपल टेक्निक, इसको मैं ले गई डाउनलोड्स में. आप लोग पूरा वो ऊपर में एक्सट्रैक्ट ऑल भी कर सकते थे. अब इसका ये जो मेरा ये है इस इंटरेस्ट रेट, इसका मैं कैसे वो लूंगी पार्ट, कंट्रोल शिफ्ट सी. कंट्रोल शिफ्ट सी करने से वो पार्ट आपका कॉपी हो जाता है. एंड यू कैन लेट्स सपोज दिस इज आंसर 2. इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ इंटरेस्ट रेट डेटा में. रीड डॉट सी एस वी फाइल है, ये पेस्ट कर दिया. ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट आ गया. अब इसका एक बार हेड चेक कर लो. तो समझ आ जाएगा कैसा डेटा है. देखो बेसिकली अगर मैं पूरा ही रन कर देती हूँ, चलो तो ये 36 हम लोग को डेटा गिवन है. X1, X2, X5 बेसिकली अगर क्वेश्चन एक बार रीड करें, फॉर 1 year, 5 year, 10 year इसका सीरीज ऑफ हम लोग को रिटर्न्स दिया हुआ है. ठीक है, तो मतलब 1 year बॉन्ड का ये इतना सारा है, 36 रिटर्न्स का वैल्यू दिया हुआ है. अब हम लोग पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें निकालने बोल रहा है. दिस इज योर पार्ट 1. तो कैसे निकालेंगे, वील यूज कोर है ना, इंटरेस्ट रेट्स. एंड क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट द मेथड इज पियर्सन, बट इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दिस एंड दिस इज योर आंसर. देख लो टेबल आ गया. क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है पियर्सन में, आपके पास क्या है, यू हैव हाउ मेनी कॉलम्स, यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स. सो 6 कॉलम्स है तो 6x6 का मैट्रिक्स आएगा. रिमेम्बर दिस इज पवन, दिस इज सितंबर 2019. इफ यू ऑल रिमेम्बर हम लोगों ने आयरिश डेटा सेट का किया था तो उसमें 4 कॉलम्स रहते हैं, पेटल एंड पेटल विथ, सेपल एंड सेपल विथ. उसका आप कोरिलेशन निकालते हो है ना, तो जो 4x4 का मैट्रिक्स आता है. तो यहाँ पे 6 कॉलम्स है तो 6x6 का आपका मैट्रिक्स आ रहा है. मतलब योर 1 year बॉन्ड का जो कोरिलेशन है वो सबसे हाईएस्ट योर 5 के साथ है, योर 30 का सबसे हाईएस्ट योर 20 के साथ है. एंड दिस इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड क्योंकि शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स विल गिव यू सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न, लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स विल गिव यू सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स. नेक्स्ट, एंड ऑब्वियसली यू सी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ, नेगेटिव नहीं है, यू सी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मेच्योरिटी, बिटवीन द रिटर्न्स ऑन द बॉन्ड एंड द मेच्योरिटी. सिमिलर मेच्योरिटी गिव्स यू
stronger correlation. For example, correlation of year 1 and year 5 bond is quite high when you compare it with year 1 and year 30. Similarly, year 30 and year 20 gives you a high correlation when you compare it with. So, isse kya pata chalta hai? That there is a weaker correlation between the length of maturity and the returns. As the length of maturity increases, your return will decrease. Theek hai? You can read the answer. Second part was comment. So, ye comment read kar lo. बोलो पढ़ने का. सॉरी मैम. ठीक है, एक और चीज बोल सकते हो. द कोरिलेशन इज वीकर टुवर्ड्स द एंड. मतलब 30 और 20 का अगर आप कोरिलेशन देखोगे उतना हाई नहीं है, तो ये भी बोल सकते हैं. बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. Perform a reduction of the dimension of the data using PCA. Six columns hai, to kaise hum log PCA karke uska dimension reduce karein with the method of SVD, singular value decomposition. Now you will say humne ye nahi kiya hai. It's fine, humne nahi kiya hai, but aapne function PRCOM kiya hai. They are just nothing asking, just to do PRCOM. You answer, your answer should include a summary of PCA. तो हम लोगों को खाली PR com run करना है, हम लोगों को from scratch नहीं करना. 10 marks के लिए हम लोग मतलब बोला नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो आप लोग simply you can use the function. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, carrying out the principal component analysis using SVD, singular value decomposition. Now you will ask me what is this? वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको एसवीडी बोलते हैं. आपके सिलेबस में ये वर्ड एक्सप्लिसिटली नहीं है, इट्स देयर इन नॉट आल्सो देयर इन CS2 में भी नहीं है. CS2 में भी एक जगह खाली R में यूज होता है, बट अदरवाइज आपके सिलेबस में एसवीडी नहीं है. दे हैव गिवन टू कंफ्यूज यू. द मेथड बैकग्राउंड ऑफ PCA इज नोन एज एसवीडी. तो अगर मुझे करना है, मैं लिखूंगी PCA एंड व्हाट फंक्शन आई विल यूज, PRCOM. ठीक है, इसमें हम लोग खाली इंटरेस्ट रेट्स अपना डाल देंगे. ऑल राइट, एंड इसका रिजल्ट अगर मेरे को व्यू करना है, आई विल रन अ समरी ऑफ PCA. डोंट रन PCA. अगर खाली PCA रन करोगे तो उसके खाली आपके वैल्यूज आ जाएंगे ऐसे, बट समरी रन करोगे तो पूरा डिटेल आएगा. आपका PC1 PC2 आपका क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है इसको मैं दोबारा रन करती हूँ. ये जो आपका आ रहा है, देखो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सप्लेन बाय PC1 PC2 एंड सो ऑन. ये प्रोपोर्शनेट वेरिएंस है क्यूमुलेटिव. तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, अगर आप PC3 तक ले रहे हो तो 99.8% आपका एक्सप्लेन हो रहा है. अगर आप PC2 तक ले रहे हो तो 97.4% वेरिएबिलिटी आपका एक्सप्लेन हो रहा है. इज इट क्लियर? हाँ, एक और फंक्शन होता है, मैंने एक और कहा था, एक तो मैं PR कॉम कहा था, एक प्रिम कॉम होता है. हम लोग PR कॉमिंग करेंगे. दिस इज व्हाट वी हैव डन. नाउ दे हैव आस्क्ड सजेस्ट विथ रीजंस यूजिंग द आउटपुट ऑफ R हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म डेटा शुड बी रिटेन्ड. अब आप लोग को इसको समझाना है, कैसे समझाओगे समरी रन करने के बाद, कि इफ यू टेक फर्स्ट component only 86.4% of the data will be explained. If we take the first two components, 97.7% of the data, in approximately 98% data will be explained. If we take first three components, 99.8% data will be explained. Therefore, kya bol sakte hain, kaun sa lena chahiye aapke according? Ma'am, PC2 tak. PC2 बोलेंगे बहुत जन कि भाई 97.7 हो ही रहा है, तो 2% के लिए हम लोग और एक क्यों इंक्लूड करें. आप 3 भी बोल सकते हो, क्योंकि 3 के बाद 4 में ज्यादा आपका उतना नहीं है. हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्क्री प्लॉट के थ्रू. स्क्री प्लॉट का फंक्शन कौन सा था, कैसे बनाएंगे स्क्री प्लॉट? प्लॉट
टाइप इज इक्वल्स टू एल. टाइप एल किसको प्लॉट करना है? प्लॉट ऑफ पीसीए. बस प्लॉट ऑफ पीसीए कॉमा टाइप इक्वल्स एल. ये आ गया. तो ये आपके नंबर ऑफ पीसीज आ गए. यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में लिख सकते हो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एल्बो आ रहा है टू पे. टू के बाद कोई ज्यादा डिडक्शन है नहीं. बट कोई लोग अगर थ्री भी लिखेंगे तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. इट कैन मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल राइट टू. दिस इज द एल्बो रूल के अकॉर्डिंग एंड सम कैन ऑल्सो राइट थ्री. तो यू कैन ऑल्सो मेक दिस प्लॉट. यू कैन ऑल्सो एट दिस प्लॉट एंड यू कैन से दो वी डोंट सी अ ह्यूज change after the second PC, increase in the proportion explained. So we can go with two PCs. We can also go with three PCs. Uske baad same reasoning deke aap three bhi likh sakte ho, not an issue. Theek hai? Isme dono ko mein aapko aapka full marks mil jayega. Theek hai? Third question. Use the command. Third question mein aajo. वन आवर 50 मिनट्स याद रखना. तो क्लास में हमें कितना लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स, क्योंकि हम साथ साथ में डिस्कस करके करें. 2 hours 15 मिनट्स के अराउंड, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए. इट शुड नॉट टेक मोर देन दैट. ठीक है नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? यूज द कमांड सेट डॉट सी टू इनिशियलाइज द रैंडम वेरिएबल जनरेटर. देन यू एग्जीक्यूट एनी आर कोड. मेक श्योर यू रन द इंटायर आर स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग द सीड लाइन. इन्होंने बोला है कि आप सीड को भी रन कर देना. तो इसको हम लोग रन करेंगे. कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन फ्रॉम एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा एंड डिफाइन वाई, वेयर वाई इज द समेशन ऑफ ऑल द एक्सेस. तो यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि एक्स वन एक्स टू आ रहा है एक्सपोनेंशियल से विथ ऑल हैज द सेम पैरामीटर लैम्डा. समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल गिव्स यू वेरी गुड gives you gamma. So, agar xi follows exponential lambda, your y will follow gamma. Very good. N, very good. N, comma, lambda. Kyunki n sample aap le rahe ho. Very good. To aapko ye likhna hai. Pehla bole state the distribution of y giving all the parameters of distribution. To pehla answer mein aap likhoge xi follow exponential lambda. Summation of xi from I goes from 1 to n will follow gamma distribution. Hence, y will follow gamma distribution with parameter n, comma lambda. Very good. Very, very good. Next, bola hai, perform the simulation of a sample x1 se xn with sample size 15. To n hamara ho gaya kya? एन हमारा हो गया 15. ठीक है फ्रॉम एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा एज क्या बोला है 2. तो लैम्डा ले लेंगे अपने 2. और क्या बोला है हमें सीड वैल्यू रन करना था याद है. सो सेट डॉट सीड 2019 एन लैम्डा और इसके बाद हमें एक्स निकालना है. आर ई एक्स टी से निकालेंगे obviously n comma lambda. Clear है? देख लो ये आ रहा है मेरा x. आप लोग को x रन करने बोला नहीं. आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो योर विश. या फिर आप खाली हेड करके छोड़ सकते हो. नेक्स्ट बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. तो y कैसे निकालेंगे? y इज गुड. y का वैल्यू कैसे निकलेगा? वेरी गुड. y को तो बोला ही है. y तो बोल ही दिया सम ऑफ x. तो सम ऑफ x y का वैल्यू चेक करना. तो 10.7205 आ रहा है क्या सबके लिए?
ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पार्ट फोर, परफॉर्म 1000 रिपीटेशंस ऑफ पार्ट्स टू एंड थ्री टू ऑब्टेन अ बूटस्ट्रैप सैंपल वन से लेके बी तक, वे बी इज 1000. सो बेसिकली क्या बोला है, हम लोग को 1000 टाइम्स रन करना है, जहां पे 1000 टाइम्स आप एक्स निकालोगे, एक्स का साइज रहेगा 15 एंड उसका सम करोगे, फिर 15x सम, 15x सम, ये कितनी बार होगा, एक बार खुद से लूप लिखो तो. पहले क्या क्रिएट करें, एक वेक्टर विद जीरोस, या वाई बूटस्ट्रैप कैसे करेंगे बताओ. मैम पहले तो फॉर बोलो, लूप लिखो, लूप कैसे होगा, सिंपल सा लूप होगा, बोलो. मैम सेट सेट डॉट रीड करेंगे और क्या बोल रहे हो यतीश. मैम सेट डॉट सीड पहले तो रन करेंगे ना, सेट डॉट सीड एक बार रन हो गया, जरूरत नहीं है बार बार करने का. अच्छा मैम फॉर आई इन 1 2000 ठीक है. मैम फिर आर ई एक्स और फिर आर ई पी करके वैल्यू जनरेट कर लेंगे 15. गलत बोले तुम लोग, जाओ हमारी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है कोई. मैम, और वाई, वाई बूटस्ट्रैप के आईएथ एलिमेंट में हम स्टोर करेंगे. आईएथ एलिमेंट में हम क्या स्टोर करेंगे, सम ऑफ आर टाइम्स पी ऑफ एन कॉमा एल, एन कॉमा एल लैम्डा. वाई में नहीं करेंगे, वाई बूटस्ट्रैप में करेंगे. हाँ करेक्ट, मैंने इसका नाम बूटस्ट्रैप डाला था. ठीक है, क्लियर है. मैम सेट डॉट सीट का इफेक्ट तो एक बार में हट जाता, तो हमें दोबारा रन करना नहीं पड़ेगा इस वाले के लिए. कर भी सकते हैं बट वो इफेक्ट हटता नहीं है, मतलब वो एक बार रन करने से रहता है. हेड चेक करना सब लोग, वो रहता है वैसे तो. हेड चेक करो तो सेम आ रहे कि नहीं. सबका आया? यस मैम. वेरी गुड मुस्कान छाबरा, इट्स करेक्ट. चलो दैट्स आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज प्लॉट अ हिस्टोग्राम शोइंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज. तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट ऑफ वाई अंडरस्कोर बूटस्ट्रैप एंड एक चीज बोला है शोइंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इसको अंडरलाइन करो. एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है प्रोबेबिलिटी. हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है. मैम कुछ नहीं, बस कोड बता दीजिए. ठीक है, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको अंडरलाइन कर लेना और आप लोग अपने नोट्स में लिख लो. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी. सिक्स के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पहला पार्ट बोल रहे हैं कंपेयर ग्राफिकली द हिस्टोग्राम इन पार्ट फाइव टू द डेंसिटी ऑफ अ सूटेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या सूटेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो पार्ट फाइव में आया, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सुपर इम्पोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस. तो क्या कैसा हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे बताओ. अप्रोक्सीमेटली जो वाई है वो कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. गामा का मीन क्या होता है, एन बाय एन बाय लैम्डा कॉमा एन बाय लैम्डा. मीन क्या होता है, अल्फा बाय लैम्डा होता है ना, तो अल्फा बाय लैम्डा विच इज एन बाय लैम्डा. और वेरियंस क्या होता है, एन बाय लैम्डा स्क्वायर. एन बाय लैम्डा स्क्वायर, तो ये सुपर इम्पोज करना. अब सुपर इम्पोज करने के लिए आप लोग ये वैल्यूज कहाँ से निकालोगे,
ये प्रोबेबिलिटी है, तो कहां से निकालेंगे, डी नॉर्म। और डी नॉर्म से निकालने के लिए आपको पहले एक्स के वैल्यूज चाहिए, तो आपको एक्स के वैल्यूज कहां से मिलेंगे, आप करोगे मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज, देख लो रेंज निकाल लो, इनका मेथड मैं नहीं कर रही जो उन्होंने सोल्यूशन में किया है, रेंज ऑफ वाई बूटस्ट्रैप निकाल लो, ये आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 0 से 16.5 ले लेते हैं एक्स का वैल्यूज, ठीक है, सीक्वेंस 0 से 16.5 बाय 0.01, ठीक है, या 0.1 भी कर सकते हैं। लाइंस फंक्शन यूज करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे एक्स कॉमा डी नॉर्म, कहीं भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लेना, एंड मैं इसको कॉपी करूंगी क्योंकि ये हमने एज इट इज लेना है। खाली यहां पे अपने स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। कलर विथ देख लो, ऊपर से थोड़ा कट हो रहा है, सो यू कैन इंक्रीज द मार्जिन, तो आप इस पे जाके हिस्ट में वाई लिम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो 0 से 0.24, ठीक है, तो देखो सिमिलर आ रहा है। आप ये 0 से नहीं स्टार्ट करके 0 पॉइंट जो उन्होंने बोले 3 से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। इज इट क्लियर, एक बार देख लो। आया सबका, कोई डाउट है तो पूछो। एक बार सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका पार्ट बी, एंड देन आई गिव यू ऑल टाइम। ओ यू माइट फाइंड द फॉलोइंग आर कोड यूजफुल, इन्होंने ये फंक्शन बोला। हम लोग ये भी कर सकते थे, आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें बैठाना है। ऐड ट्रू का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो कर्व है, जो एग्जिस्टिंग ग्राफ है उसमें ऐड हो जाएगा, एंड आपका कलर रेड है, एंड आपका विथ साइज इज 2, तो ये कर्व फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। इट इज एक्टिंग लाइक अ लाइन्स फंक्शन ओनली, बट एक चीज है कि कर्व फंक्शन में आपको एक्स एंड वाई वेरिएबल अलग से नहीं देना होता, आप खाली डायरेक्टली डी नॉर्म दे सकते हो, ठीक है। डी नॉर्म इन्होंने क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा इधर, एंड फिर एड एंड ऑल होंगे, वो आपके कर्व में जाएगा, सेम चीज होगा। मैम, जैसे आप इस क्वेश्चन में हमसे कंपेयर बोल रहा है, तो हमें कमेंट भी लिखना पड़ेगा या सिर्फ ग्राफ से बोला लिखा? है ना, कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स इन पार्ट 6A इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीएलटी। तो हम लोग सीएलटी में क्या बोलते हैं, आपने एक-एक एक्स का वैल्यू कितना लिया है, आपने 15x का वैल्यू लिया है। अब आप क्या बोल सकते हो कि 15 वैल्यू से आपका जो गामा बना है, आप बेसिकली क्या बोल रहे हो, आप सीएल आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो समेशन ऑफ एक्स आई गोज फ्रॉम i 1 to 15 फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, n/λ, कॉमा इट्स समथिंग। आप क्या कर रहे हो, समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक तरीके से सीएलटी लगा रहे हो, बट आप यहाँ क्या बोल रहे हो, जब आप सीएलटी लगा रहे हो आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोलना चाह रहे हो कि हिस्टोग्राम जो है वो सिमेट्रिक आना चाहिए था, बट वो सिमेट्रिक आया नहीं है, क्यों, नंबर ऑफ सिमुलेशंस कम है। बहुत कम है, खाली 15 वैल्यूज है, और आप 15 वैल्यूज का नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, एंड यू एक्सपेक्ट कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट और क्या हो सकता है, हम लोग बोलते हैं फॉर लार्ज सैंपल साइज एन वी से दैट सीएलटी इंश्योर्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन वाई विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, विच इज नॉट द केस बिकॉज योर सैंपल साइज इज ओनली 15, इट्स 30 भी होता तो समझते। और दूसरा क्या बोलेंगे, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो वाई एक्स के वैल्यूज एक्सपोनेंशियल फॉलो करते हैं, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आ दे, वेर एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो वो कंप्लीटली उस चीज को सेटिस्फाई
ऑब्वियसली नहीं करेगा, आपको जो पूरा सिमेट्रिक है मतलब आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगे, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलते हैं. सो इट्स नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन इन दैट वे एज वेल. इसको रीड करो आंसर को एंड देन वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. बोलो. मेरे लाइंस में एरर आ रहा है, पता नहीं हो। क्या एरर आ रहा है प्लीज इसमें चैट बॉक्स में डालो. आई चेक. ठीक है. देखो तुम्हारा एक्स का अरे क्या स्वास्थ्य मिल तीनों गया, मिल गया। अब वो एक्स के का डाल दिया। इक्वल यहाँ पे. नेक्स्ट हाँ, डाल दिया। ये हो गया अपना. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ. अ रीसेंट स्टडी सजेस्ट दैट द मैक्सिमम हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन रिलेटेड टू एज इन यर्स इज गिवन बाय दिस. मैक्सिमम रेट, ठीक है, मैक्सिमम हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन कितना होना चाहिए, मतलब मेरा जो हार्ट बीट है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए. 220 माइनस माई एज. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम 26, तो 20 माइनस 26 शुड बी माई मैक्सिमम हार्ट रेट. सपोज दिस इज एम्पेरिकली प्रूवन एंड 15 पीपल ऑफ वेरिंग एजेस आर टेस्टेड फॉर देयर मैक्सिमम हार्ट रेट. द फॉलोइंग डेटा आर कलेक्टेड. एजेस दिया हुआ है, उनका मैक्स रेट सबका दिया हुआ है. तो ये डेटा पहले तो फीड इन कर लो.
प्लॉट द फिटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मैक्स रेट ऑन एज. तो क्या करने बोला है इधर हम लोग को, क्या करने बोला है? फिटेड रिग्रेशन लाइन करनी है हम लोग को, प्लॉट करना है एक्स कॉमा वाई, ये प्लॉट करना है. एंड इसके ऊपर क्या करना है, ये बेसिक प्लॉट बन गया आपका. इसके ऊपर आपको रिग्रेशन का लाइन बनाना है. आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ मैक्स रेट ऑन एज मतलब वाई ऑन एक्स, तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लिख दो इसके बगल में मेक अ प्लॉट, ठीक है. फिर नेक्स्ट आपको ना ऐसे देना होगा कमेंट्स, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा. डू यू थिंक यू विल गेट 5 marks जस्ट फॉर 2 lines ऑफ कोड? नो, यू विल हैव टू राइट. देन यू विल राइट कैरिंग आउट रिग्रेशन, कैरिंग आउट रिग्रेशन. सो इसका रिजल्ट क्या होगा, एल एम किसमें डाला हमने, वाई, वाई ऑन एक्स करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा. इसको निकाल लो, देख लो ऐसा आ गया. कोएफिशिएंट है ये, इंटरसेप्ट है ये, आपका बीटा वैल्यू है. अब आपको इसके ऊपर ये लाइन प्लॉट करना है, कौन सा फंक्शन प्लॉट, ये लाइन ऐड करने के लिए कौन, हाँ ए बी लाइन, वेरी गुड. ए बी लाइन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, इफ यू ऑल रिमेम्बर. आप खाली लाइन फंक्शन नहीं यूज कर पाओगे, यू हैव टू यूज ए बी लाइन विच इज इंटरसेप्ट स्लोप लाइन. यहाँ आपको इंटरसेप्ट एंड स्लोप ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, तो आपको ए बी लाइन ही यूज करना पड़ेगा. या फिर आपको अगर नया खुद का इक्वेशन बनाना है तो आप लोग क्या यूज करोगे, लाइंस एक्स कॉमा, सुन लो दो ऑप्शन दे दियो, या तो लाइंस फंक्शन या तो ए बी लाइन. ए बी लाइन में क्या होगा, डायरेक्टली एल एम फंक्शन यूज होगा, एल एम वाई ऑन एक्स, या फिर आप एल एम डॉट रिजल्ट भी कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो इसको रन करो, या तो ये एंड इसमें आपने पूरा ये लिखा, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका स्लोप है इनटू एक्स कॉमा कलर रेड, ठीक है. देखो सेम चीज आया, ठीक है ये आया, बट इसमें आपका ना ये टच नहीं होगा लाइंस ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि ये जीरो के लिए और इसके लिए नहीं ले रहा है. बट एज अगर मैं ये करूं एंड इसका मैं कलर दे दूं, लेट्स से सपोज ग्रीन, तो देखना सेम उसके ऊपर आ गया, बट यहाँ पे ये साइड साइड में पूरा स्ट्रेच हो गया. तो दोनों यूज कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर यूजिंग दिस, ठीक है. देख लो, ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट ऑन द रिजल्ट. अब हम लोग को क्या दिख रहा है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब जैसे जैसे एज आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका मैक्सिमम रेट इज गोइंग डाउन, एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट बिकॉज मैक्स रेट का फॉर्मूला क्या है, 220 माइनस द एज. तो सिमिलरली हमारा क्या बन रहा है, मैक्स रेट का फॉर्मूला 220 के बदले हम लोग 210 ले रहे हैं, माइनस खाली 1 इंटू ये, अगर हम दिस इज ऑल्सो अ लीनियर मॉडल विथ दिस एज द इंटरसेप्ट 220, हमारा इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 210, और यहाँ पे स्लोप है -1, हमारा स्लोप आ रहा है -0.79, ऑलमोस्ट क्लोज. ये -1 होना चाहिए था, स्लोप यहाँ -1 है ना, हाँ, और ये 220 होना चाहिए था, हमारा 210 आ रहा है, ठीक है. बट एज योर एज इज इंक्रीजिंग योर मैक्सिमम हार्ट रेट इज गोइंग डाउन, सो इट सीम्स अ गुड मॉडल, इट सीम्स अ फाइन मॉडल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेक श्योर यू गिव गुड कमेंट्स. बोल रहा है अ रिसर्चर रिव्यूज द प्लॉट इन पार्ट 1 एंड सजेस्ट दैट द स्लोप शुड बी -1. ये तो भाई ये तो हमने ही बोल दिया, ठीक है. कैलकुलेट द पी वैल्यू ऑफ द हाइपोथेसिस फॉर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट. याद है बीटा का आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया है, बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस इज बीटा इक्वल्स टू -1, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको क्या लिखना है, बीटा इक्वल्स टू -1, तो आप लोग को क्लियरली लिखना होगा एच नॉट इज बीटा
इक्वल्स टू माइनस वन, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखोगे बीटा नॉट इक्वल्स टू वन, ठीक है, एंड नाउ यू विल कैरी आउट द टेस्ट. अब यहां इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द पी वैल्यू फॉर द हाइपोथेसिस बाय क्रिएटिंग अ सूटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. बाय क्रिएटिंग अ सूटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोला है, तो यू कैन नॉट यूज द फंक्शन, यू कैन यूज पी टी, सॉरी हाँ, टू ऑब्टेन द पी वैल्यू, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द फंक्शन टू कैलकुलेट द टी वैल्यू. नाउ इफ यू रिमेम्बर, अगर हम लोग जो बीटा टेस्ट करते थे, ये आपने पढ़ा है जीएलएम के एकदम टुवर्ड्स दी लास्ट में, आपने बीटा टेस्टिंग पढ़ा है, वहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता था बीटा माइनस बीटा हैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा. क्लियर है, याद आया? हाँ याद आया. वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा क्या था कोई बताएगा? आप रेसिडुअल्स निकाल सकते हो फ्रॉम द लीनियर मॉडल, निकाल सकते हो कि नहीं, है ना? तो वो रेसिडुअल्स यूज करने के बाद हम लोग पी टेस्ट करेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ कुछ वैल्यू चाहिएंगे. तो सबसे पहले लेट्स टेक द रेसिडुअल्स, आर ई एस में नहीं डाल सकते, रेसिडुअल्स में डालते हैं, रेसिडुअल्स ऑफ लीनियर मॉडल, ठीक है, ये हमारा रेसिडुअल्स आ गया. कोएफिशिएंट निकालो बीटा वन, बेसिकली कोएफिशिएंट निकालो. कोएफिशिएंट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोएफ ऑफ एलएम, बट इसमें क्या आएगा जब इसको रन करेंगे, कोएफ को डबल एफ नहीं होता है, तो आपके एक बार रुको, बीटा वन में दो वैल्यूज आ गए, बट हमें खाली ये वाला चाहिए, तो हम इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट टू करके टू करेंगे एंड फिर एक बार चेक कर लो. देखो ठीक है, ये हमारा बीटा वन हो गया, क्योंकि बीटा वन माइनस बीटा हैट, बीटा हैट यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर. एन हमारा 15 है, ऑलरेडी लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ तो ले लो. एन एस 15 कैसे, 15 पेशेंट्स है आपके, 15 पीपल है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो एन आपका 15 हो गया, ठीक है. नाउ आपका स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला किसी को याद है? रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स. रूट ओवर छोड़ दो, सिग्मा स्क्वायर बाय, तो सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर या फिर सिग्मा रेसिडुअल का निकालते हो बेसिकली, है ना? तो सम ऑफ रेसिडुअल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस टू करते हैं और इस पूरे का स्क्वायर रूट लेते हैं. ये वाला चीज बताओ किसको क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हम लोग ने क्या किया, वेरियंस आप कैसे निकालते हो, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. अब y बार रेसिडुअल्स का क्या होता है, जीरो, हम क्या लेते हैं, रेसिडुअल का मीन अजम्पशन इज जीरो, तो इसीलिए सम ऑफ रेसिडुअल का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब सम ऑफ रेसिडुअल माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो जीरो हट गया, रेसिडुअल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस टू करते हैं ना अपने. ये आपका रेसिडुअल s y y है, नॉट एग्जैक्टली s y y, दिस इज सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा नॉट सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा. तो n बाई टू, n बाई n माइनस टू करते हैं, यू ऑल रिमेम्बर सिग्मा हम लोग का n बाई टू होता था, याद है ना? अगर नहीं याद है तो कॉपी खोल के देखो, उसमें सब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है. अब आपका स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा बताना, s डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी स्क्वायर रूट ले रखे हमने, s x x विच इज सम ऑफ x, x में ले रखे है ना अपने, x में कुछ और तो नहीं ले लिया ना बीच में, नहीं, x माइनस मीन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये पूरा
हाँ हो गया, तो एस एक्स एक्स हो गया, तो ये इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। देख लो, ये एस एक्स एक्स हो गया, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम और उसका रूट लेते हैं, तो ये आपका एस ई आ गया। ओ मैंने ये रन नहीं किया था, एक बार एस ई का आंसर मैच कर लो। अब आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, डी वन माइनस माइनस वन है ना, बोलो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, एसी। ये हो गया आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अब पी वैल्यू कैसे निकलेगा, पी टेस्ट होता है, टेस्ट ठीक स्टेटिस्टिक्स में बीटा माइनस बीटा हैट बाय स्टैंडर्ड एरर फॉलोज टी एन माइनस वन है ना, एन माइनस वन या एन माइनस टू। एन माइनस टू होता है क्योंकि दो पैरामीटर्स है यहाँ पे आपके पास, एक इंटरसेप्ट एक बीटा, ठीक है, और यहाँ पे भी तुमने एन माइनस टू करा है, तो ये ध्यान रखना। अगर कंफ्यूजन है प्लीज ओपन योर नोटबुक, कीप इट रेडी। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कॉमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया आपका 13 विच इज 15 माइनस, एंड लोअर टेल क्योंकि ग्रेटर दैन निकाल रहे अपने। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आया कितना है, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, सो लेट्स डू, देख लो आपका ये आ रहा है। अच्छा, इज इट अ राइट टेल टेस्ट और अ टू साइडेड टेस्ट, दिस इज अ टू साइडेड टेस्ट क्योंकि बीटा इक्वल्स माइनस वन, बीटा नॉट इक्वल्स माइनस वन बोला है, सो ये आ रहा है, देख लो, विच इज लेस देन 5%, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी से दैट बीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, हेंस द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द स्लोप इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इट मे नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, येस और नो, कहीं डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, ये मत बोलना कि मैम नहीं समझ आया। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू राइट अ यस। यस खुशी, मैम, हम लोग जब ये बीटा इक्वल्स टू 0 के लिए ये टेस्ट करते थे, एंड बीटा अगर कुछ और होता था तो हम लोग प्रेशर वाला टेस्ट करते थे। तो हम लोग यहाँ पर वो बीटा माइनस बीटा नॉट वाला क्यों कर रहे हैं? कौन बोला फिशर, कहाँ लिखा है ये, बोला था कि बीटा जेनरिक वाले के लिए हम लोग प्रेशर टेस्ट करते थे। नहीं नहीं यही करते हैं, आर में फिशर टेस्ट है नहीं ना, फिशर डॉट टेस्ट अलग से बोलेगा करने, बट अपने को पूरा यही करना है। क्वेश्चन में भी बोला टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अलग से पूरा निकालू, सो रिसर्चर का सजेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोलना है कि माइनस वन नहीं फॉलो करता है, तो जो रिसर्चर ने बोला है कि स्लोप इज माइनस वन दैट कैन बी इनकरेक्ट। रिसर्चर ने बोला इट शुड बी मैक्स रेट शुड बी 220 माइनस एज, तो स्लोप उसके अकॉर्डिंग माइनस वन होना चाहिए, बट हमारे अकॉर्डिंग माइनस वन नहीं आ रहा है, सिंपल एज दैट। एक बार यस लिख दो ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स,
एक ही ऐसा है मेरे पास। ठीक है मुस्कान, आई गिव यू 2 मिनट्स, 1 मिनट हो गया उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जिन लोग का हो गया स्टार्ट खुद से। अच्छा हो, यू वांटेड टू सी द आंसर ना, वेट। यस देख लो। ठीक है, इज इट डन मुस्कान? बोलो। कोई बात नहीं, एक बार क्लास के बाद देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। कुछ सिली मिस्टेक हो रहा होगा, जो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट मिस्टेक या कुछ हो रहा होगा। ठीक है, आई पोस्ट दिस कोड इन चैट बॉक्स, एक बार मिला लो। ऑल्दो इट्स आई थिंक, ठीक है श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द डेटा गिवन इन पॉलिसीज डेटा डॉट आर डेटा शोज द नंबर ऑफ पॉलिसीज बाय सेक्स ऑफ पॉलिसी होल्डर। सेक्स कोड 1 इज फॉर मेल, 2 इज फॉर फीमेल, 1 मेल है 2 फीमेल है। एंड क्लास ऑफ बिजनेस, क्लास का कोड दिया हुआ है। देयर आर 5 डिफरेंट क्लासेस, 1, 2, 3, 4, 5 फॉर अ सर्टन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो। कंस्ट्रक्ट अ प्लॉट ऑफ लॉगरिदम ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट द क्लास ऑफ बिजनेस ऑन द एक्स। तो सबसे पहले ये आर डेटा है, तो कैसे करेंगे? लोड फंक्शन यूज करेंगे। आई इसके बाद एक बार देखो, जैसे ही लोड किया वैसे ही क्लास कोड आ गया। एक बार मैं हटा रही हूं ताकि आप लोग को ना समझ आए उसको। फिर से देखो, क्लास कोड आया, एन पॉलिसीज आया। एन पॉलिसीज आपके 1 से 10 तक जा रहे हैं, मतलब 10 वैल्यूज है इन टोटल। तो नंबर ऑफ पॉलिसीज है, उनका जेंडर है एंड उनका क्लास है, विच गोज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, क्लास ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं। अब बोला है लॉगरिदम ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज प्लॉट करना है अगेंस्ट, तो क्या करेंगे? प्लॉट लॉग ऑफ एन डॉट पॉलिसीज। ठीक है, एक्स एक्सिस पे बोलो। क्लास कोड, ठीक है, टाइटल क्या दोगे? टाइटल दोगे नंबर ऑफ पॉलिसीज अगेंस्ट क्लास ऑफ बिजनेस। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ पॉलिसीज अगेंस्ट क्लास ऑफ बिजनेस। अब ये ऐसा टाइप का डॉट है, इफ यू वांट टू गेट अ बेटर आप पीसीएस आपने 20 कर उल्टा कर सकते। दिया। अच्छा ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। पीसीएस 2019 कुछ भी, तो देखो ये आ रहा है, सबका ऐसा आ रहा है लॉग ऑफ पॉलिसीज एंड इधर क्लास 2। क्लास 1 के 2 पॉलिसी हैं, क्लास 2 के 2 हैं, 3 के 2 हैं, 4 के 2 हैं, 5 के 2 हैं। एंड हमें क्या समझ में आता है, जैसे जैसे क्लास कोड इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्लास ऑफ बिजनेस 5 के लिए, यू कैन नॉट से इंक्रीज डिक्रीज बिकॉज दिस इज नॉट रैंक नहीं दिया हुआ है। इट्स यू आर नॉट सेइंग 5 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा कहीं नहीं बोल सकते। दिस इज फैक्टर वेरिएबल, ठीक है। यू कैन नॉट, यू आर नॉट रैंकिंग इट, देयर इज नो रैंक। अब जैसे 2 ग्रेटर देन 1, फीमेल ग्रेटर देन मेल नहीं बोल सकते। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन 2 में बोला है कमेंट ऑन द रिलेशनशिप।
हम लोग क्या बोलेंगे, दैट वी सी दैट देर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्लास बिजनेस क्लास क्लास ऑफ बिजनेस एंड नंबर ऑफ पॉलिस नंबर ऑफ क्लेम्स. ये क्या है? एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज. तो जैसे जैसे आपका क्लास ऑफ बिजनेस मतलब फॉर हायर क्लास, हायर इंक्रीज नहीं बोल सकते सॉरी, फॉर क्लास कोड्स लाइक 4 and 5 द नंबर ऑफ क्लेम्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसीज इज लोअर. ठीक है. एंड फॉर क्लास 1 and 2 यू सी हायर, बट 3 का अगेन बहुत हाई है. सो रिलेशनशिप बहुत क्लियर नहीं है. सो यू विल से दैट इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट देयर माइट बी सर्टेन डिपेंडेंसी बिटवीन द नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड द क्लास ऑफ बिजनेस, बट इट्स नॉट वेरी क्लियर. इट्स बिकॉज ऑफ द ये वाला, देखो 3 का एक आउटलायर जैसा इधर दिख रहा है. इन द प्लॉट प्रोड्यूस्ड इन 1 वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑल्सो. अब आप इसमें ना, क्योंकि आपका मेल फीमेल वाला भी कैटेगरी है, इफ यू सी द डेटा मेल फीमेल भी है, तो इसमें से कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं. आपके पास क्या है? आपके पास 3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज, क्लास ऑफ बिजनेस एंड एक जेंडर का. द प्लॉट इज शोन विथ एम एंड एफ शोइंग मेल एंड फीमेल पॉलिसी होल्डर रिस्पेक्टिवली. कमेंट ऑन द रिलेशनशिप. अब इन्होंने ही बना दिया है, आपको नहीं बोला है. ऑल्दो अगर ऐसा कुछ बनाने आएगा नहीं, दिस मे कम इन योर व्हाट डू यू कॉल दिस CS2. CS2 में सेट के दे गिव क्वेश्चंस. दिस वाज पार्ट ए एंड पार्ट बी. मैंने गलत नंबरिंग कर दिया. दिस इज पार्ट 2. कमेंट ऑन द रिलेशनशिप इन द डेटा बेस्ड ऑन दिस प्लॉट. सो इस प्लॉट के हिसाब से आपको क्या दिखता है कि ईच क्लास वाइज अगर हम लोग जाएं, हर एक क्लास में नंबर ऑफ क्लेम्स इज लोअर फॉर द फीमेल एंड हायर फॉर मेल. सो वी सी अ क्लियर डिस्टिंक्शन दैट ओनली खाली 4 में है, बट 4 का गैप उतना है भी नहीं, ज्यादा थोड़ा सा ही है. वी सी दैट फॉर फीमेल्स इन ईच ऑफ द क्लास ऑफ बिजनेस द नंबर ऑफ क्लेम्स इज लोअर as compared to males. ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन जेंडर ऑफ नंबर ऑफ क्लेम्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जेंडर ऑफ पॉलिसी होल्डर. दिस यू हैव जस्ट डन बाय लुकिंग एट द ग्राफ्स. नाउ दे हैव आस्क्ड यू टू फिट अ लीनियर मॉडल GLM एंड चेक. फॉर द रिमेंडर ऑफ द क्वेश्चन यू विल नीड टू एंश्योर दैट द सेक्स एंड क्लास वेरिएबल आर ट्रीटेड एज कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. ये हमें पता है. यू कैन यूज द फॉलोइंग कोड. तो इसको हम लोग को कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों कोड्स को रन करना होगा. पहले हम नहीं करते थे, बहुत पहले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट GLM के अंदर दे यूज्ड टू टेक दीज एज फैक्टर वेरिएबल. अभी नहीं होता, तो अभी हमें अलग से करना होता है. पहले हम नहीं करते थे, अभी चेंज हुआ है आरके कोड्स थोड़े. पहले मतलब बहुत 3-4 साल, 2-3 साल पहले जब आर हमने स्टार्ट किया था. ठीक है. तो हमने सेक्स डॉट कोड एंड क्लास डॉट कोड को एज डॉट फैक्टर में चेंज कर दिया है. इसके बाद इन्होंने बोला है फिट अ GLM मॉडल एनालिसिस ऑन द डेटा यूजिंग पॉइजन. क्यों पॉइजन? बिकॉज आपका लॉग से रिलेट करा रहे हैं, इसीलिए पॉइजन बोला है. एंड इंटीजर है विद नंबर ऑफ पॉलिसीज एज द रिस्पॉन्स, क्लास ऑफ बिजनेस एज द ओनली फैक्टर. तो क्लास ऑफ बिजनेस ही लेना है. योर आंसर शुड इंक्लूड द पैरामीटर्स की वैल्यू एंड द इंटरप्रिटेशन इन ब्रीफ. तो हम लोग GLM 1 करेंगे. GLM में क्या डालोगे बोलो? N डॉट पॉलिसीज टिल्ड खाली क्लास कोड. ठीक है. फैमिली में क्या लिखेंगे अपने? पॉइजन. पॉइजन का लिंक आई थिंक लॉजिक होता है क्या? चेक करो एक बार GLM में जाके. अब इसका आउटपुट के लिए समरी रन करना होगा. समरी ऑफ GLM 1. लॉग होता है. लॉजिट इज फॉर दिस बाइनोमियल जो हमने लास्ट क्लास किया था. तो लिंक लॉग है, इसीलिए हमने देखो लॉग ऑफ वाई लिया था, बट यहाँ हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं.
सिंपली हम लोग एन पॉलिसीज ले रहे, लॉग नहीं ले रहे। अब यहाँ हमें समरी से क्या समझ में आ रहा है, एक बार देखो प्लीज। समरी में क्या समझ में आया, ये हमें क्या एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, ये हमारा इंटरसेप्ट दिया हुआ है और ये डिफरेंट बिजनेस क्लासेस है। बिजनेस क्लास वन कहाँ गया? एब्सॉर्ब हो गया इंटरसेप्ट में, इंटरसेप्ट में चला गया, इंटरसेप्ट में चला गया। ये हमारे को स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, जेड वैल्यू एंड ये पी वैल्यू। तो इसमें से आप क्या बोलोगे, कौन से क्लासेस इनसिग्निफिकेंट है? जो आपका बिजनेस क्लास वन है वो बेसलाइन में चला गया, मतलब आपका इंटरसेप्ट में चला गया है। एंड इफेक्ट ऑफ क्लास फाइव इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास वन, है ना? एंड यहाँ हम लोग का देखो बीटा वैल्यू नेगेटिव है, तो सबको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, क्लास वन से कंपेयर करेंगे। ये फाइव को आप यहाँ पे बाकी से नहीं कर सकते, आप इसको वन से ही कर सकते हो, क्योंकि वन इंटरसेप्ट में गया। तो आप बोलोगे बाकी सब अगर कॉन्स्टेंट है एंड अगर वो क्लास फाइव में है तो मोस्ट लाइकली उसके नंबर ऑफ क्लेम्स लेस होंगे एज कम्पेयर टू क्लास वन, क्लास फोर के लेस होंगे एज कम्पेयर टू क्लास वन, क्लास थ्री के हाई होंगे एज कम्पेयर टू क्लास वन, क्लास टू के हाई होंगे एज कम्पेयर टू। अब इसमें से भी आपका सिग्निफिकेंट खाली क्लास फाइव है एंड देर इज अ वीक एविडेंस ऑफ क्लास थ्री एंड फोर दैट दे हैव अ इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट, क्योंकि इनका टू और थ्री का 5% से बड़ा है, इसका भी 5% से बड़ा है, फोर का भी, थ्री और फोर का, बट वीक रिलेशन है। वन का तो टू का तो बहुत ज्यादा हाई है, 49% है, तो ये तो लेने का कोई मतलब नहीं, बट इंडिविजुअली अपने करते नहीं। हाँ बोलो मैम, ऊपर में जब मैंने जीएलएम बनाया, तो उसमें फैमिली पॉइजन लिया, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में ना दिया होता तो हम अपने आप प्रिज्यूम करके कि लॉग है तो हम पॉइजन ही लेते हैं फिर नॉर्मल। नहीं नहीं नहीं, वो दे देंगे, ये तुम आप ये नहीं कर पाओगे अज्यूम। या तो वो एक क्वेश्चन में आपको ब्रीफली बोलेंगे कि अज्यूमिंग सम डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशन, या आपको प्रूव करने बोला जाता कि लॉग ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो ऐसा कुछ ऐसे आपके सिलेबस में उतना आएगा नहीं खुद से डिसाइड करने को। ठीक है, तो ये सब आप लिख दोगे कमेंट्स में, दो तीन कमेंट जो मैंने लिखा है। एंड हमारा जो पी वैल्यू है, मैंने नल डेवियंस एंड रेसिडुअल डेवियंस समझाया था लास्ट क्लास, इफ यू रिमेम्बर। नल डेवियंस आप कंपेयर करते हो विथ मॉडल जिसमें खाली इंटरसेप्ट और कुछ नहीं है, एंड रेसिडुअल डेवियंस इज बेसिकली आपका फाइव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब आपके यहाँ पे फाइव क्लासेस है। तो आप नल डेवियंस मतलब आपकी कोई भी पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे आप एक पैरामीटर से कंपेयर करते हो, नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल्स फॉर नाउ। एआईसी जितना कम होगा उतना बेटर आपका मॉडल है, अगेन देयर इज नो मॉडल टू कंपेयर विथ। फर्स्ट फिट अ सेकेंड जीएलएम यूजिंग नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड क्लास ऑफ बिजनेस एंड जेंडर बोथ, योर आंसर शुड इंक्लूड द एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर, पी वैल्यू एंड अ एक्सप्लेनेशन। सो सेम थिंग जिस दैट, अब आपको क्लास कोड प्लस सेक्स कोड करना है, इसको कर देंगे अपने जीएलएम टू। तो देखो आपका नल डेवियंस क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज, 79 से 72 है, बेटर हुआ है, सॉरी एआईसी आपका बेटर है, डिक्रीज है मतलब बेटर है। भूमि आई हैव डन एज डॉट फैक्टर बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट क्लास कोड एंड सेक्स डॉट कोड न्यूमेरिक है, बट इसको एज अ फैक्टर लेना है। न्यूमेरिक लोगे तो वो नंबर्स उसको काउंट करेगा, हमें उसको एज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, मतलब वन अगर आप नंबर्स में लोगे मतलब टू इज ग्रेटर देन वन, बट वैसा नहीं है। टू वन फाइव ऑल दीज आर कैटेगरीज, यू कैन नॉट से दैट फाइव इज ग्रेटर देन फोर इज ग्रेटर देन वन, वैसा आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखो वॉट डू वी अंडरस्टैंड, कि हमारा 72 AIC इज लो देन द प्रीवियस मॉडल, सो इट्स बेटर। अगेन व्हाट डू यू सी बाय दिस, देखो यहाँ पे आपका सेक्स कोड 2 दिया, मतलब 1 आपका चला गया इंटरसेप्ट में बेसलाइन में विच इज योर मेल, और फीमेल का आपका नेगेटिव आ रहा है। अगेन एज वी सॉ इन द ग्राफ कि फीमेल्स का नंबर ऑफ पॉलिसीज विल बी लोअर देन कंपेयर टू मेल्स, विच इज प्रूव्ड बाय दिस, एंड द पैरामीटर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है,
बोथ नंबर ऑफ पॉलिसीज डिपेंड बोथ ऑन द बिजनेस क्लास एंड जेंडर, बिकॉज यहाँ पे आपको देखो स्टार मार्क दिख रहे हैं तो दोनों का सिग्निफिकेंस है. बिजनेस क्लास 5 का स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ पॉलिसीज है कंपेयर टू क्लास 1, एंड मेल पॉलिसी होल्डर्स को हमने उसमें डाल दिया इंटरसेप्ट में बेस लाइन में, एंड फीमेल हैज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ पॉलिसीज. ठीक है, ये सब आप लोग को लिखना पड़ेगा, ऐसे टाइम पास करने से नहीं होगा. यू कैन मे बी चेक द फॉर्म, आई गिव यू ऑल, ये रीड कर लो. अभी पार्ट 4 क्या ना हमने, ये रीड करो. ठीक है, क्वेश्चन 5 पार्ट 5, डिटरमाइन यूजिंग डेवियंस विच ऑफ द टू मॉडल्स अबव प्रोवाइड्स अ बेटर रिजल्ट. योर आंसर शुड इंक्लूड द नल हाइपोथेसिस, पी वैल्यू एंड द रेलेवेंट टेस्ट. तो यहाँ पे हम लोग का दो दिया हुआ है, GLM-1 GLM-2. नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड मॉडल में मोर मॉडल्स है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलेंगे. सेकेंड मॉडल इज नॉट एन इम्प्रूव, याद है आप लोगों ने किया होगा LP+Q-LP, लाइकलीहुड टेस्ट किया है ना. ठीक है, बट लाइकलीहुड लॉग लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट किया है ना, -2 × LP+Q-LP, देयर LP+Q इज द मॉडल विद द हायर पैरामीटर्स. तो यहाँ पे मॉडल 2 इज द हायर. तो हम लोग क्लियरली लिखो, द नल हाइपोथेसिस इज दैट सेकेंड मॉडल इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट ओवर द फर्स्ट मॉडल. सेकेंड मॉडल इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट ओवर द फर्स्ट मॉडल. ठीक है, मॉडल 1 हम लोग का है एन पॉलिसीज, क्लास 4, मॉडल 2 ये है. अब सिंपल डेवियंस टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग अनोवा टेस्ट रन कर सकते हैं दोनों मॉडल्स में, चेक कर सकते हैं. ये तो पता होगा ना. ठीक है, टेस्ट में क्या दोगे, इम्प्रूवमेंट चेक करें. सो दिस इज अ काई स्क्वायर टेस्ट. काई जैसे एक मॉडल है विथ P+Q पैरामीटर्स, एक है विथ P पैरामीटर्स, तो इट फॉलोज काई स्क्वायर क्यू. जो मतलब यहाँ पे दो वो हो गए मॉडल, तो वैसे करके तो आप लिखोगे काई स्क्वायर, दैट्स इट, आई थिंक कैपिटल सी होगा. देखो आ गया, मॉडल 1 में ये है, मॉडल 2 में ये है आपके. देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक में 5, एक में 4 है. क्यों 5 यहाँ क्यों है, इंटरसेप्ट प्लस 4 क्लासेस, N-1 लेके करते हैं ना. और सेकेंड वाले में आप मेल फीमेल है तो एक उसमें चला दे तो प्लस 1, तो एक में 5 एक में 4 है, तो आपका क्या फॉलो करेगा, ये काई स्क्वायर 1 है ना. आपका देखो रेसिडुअल डेवियंस दिया हुआ है दोनों का, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफरेंस दिया हुआ है 1, डेवियंस दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, आप लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. पी आपको वैसे तो कॉपी पूरा ही करना है, बट पी वैल्यू इज
मतलब ये पूरा कोड कॉपी होगा, ये पूरा कोड आपका कॉपी होता है, आप कंसोल से कॉपी पेस्ट करते हो, मैंने लास्ट क्लास सिखाया है। तो ये आपका पी वैल्यू लेस देन 5% है, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू से दैट सेकंड मॉडल इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द फर्स्ट मॉडल। कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ पॉलिसीज फॉर मेल, मतलब सेक्स कोड इज 1 विद बिजनेस क्लास 2, मतलब कास्ट कोड इज 2। तो अगर मैं बोलूं क्लास कोड 2 है, सेक्स कोड 1 है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? प्रिडिक्टेड नंबर बोला है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करेंगे। प्रिडिक्ट फंक्शन में हम लोग GLM2 मॉडल यूज करेंगे। न्यू डेटा में डेटा फ्रेम जहां पे आपका क्लास डॉट कोड इज इक्वल टू 2 है एंड सेक्स डॉट कोड आपका इक्वल्स टू 2 है, 2 या 1 एंड इसको मेक श्योर आप इसमें लिखो, बिकॉज दीज आर नॉट नंबर, दीज आर कैटेगोरिकल फैक्टर वेरिएबल, ठीक है? एंड टाइप में मेन रिस्पॉन्स नहीं है, ये आपको प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स बोला है, तो आप रिस्पॉन्स मतलब एक सिंगल बाय हैट निकालना है, बाय बार नहीं निकालना, बाय हैट निकालना है, ठीक है? बाय बार एंड बाय हैट इज सेम व्हेन GLM हैज फैमिली गॉसियन नॉर्मल, बट when it has family binomial poison whatever, your y hat and your y bar is not the same, ठीक है? तो मेरा estimate आ रहा है 52। तो आप लोग क्या लिखोगे? Male policy holder belonging to business class 2 will have number of policies as 52.67 based on model 2, GLM model, ठीक है? Clear? Any doubt? Any doubt? Why are we comparing class codes with one only? हाँ मुस्कान, if I am not sure आपने GLM अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, ये जो 5 है आप ये अलग से नहीं कर सकते, आपको इसके साथ ही कंपेयर करना होगा, क्योंकि आप इंटर से बाकी सबको आप कॉन्स्टेंट रखते हो, आप सेम रखते हो, इसको आपको 0 लेना होगा, और आप एक बार में सबके साथ नहीं कंपेयर कर सकते, इनको आपको कॉन्स्टेंट रख के आपको 1 के साथ कंपेयर करना होगा ना, आप सबको 1 के साथ ही कंपेयर कर पाओगे, एंड इसका हायर वर्जन आप CS2 में पढ़ोगे कि आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। एनी डाउट? वील डू इट टिल हियर फॉर टुडे, टुमारो मंडे वील हैव द नेक्स्ट क्लास एंड वील डू द नेक्स्ट पेपर, ठीक है?